हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ बैंकिंग। और इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर का एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन के बारे में कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है या फिर मनी क्रिएशन क्या होता है। और मनी क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। पूरा प्रोसेस हमने समझा था कि कैसे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो मनी क्रिएशन करती हैं या फिर मतलब आप कह रहे हो क्रेडिट क्रिएशन करती हैं, ठीक है। और भी कुछ हमने नए नए टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि आपका हो गया मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्रेडिट क्रिएशन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और जिस जिसको भी याद है जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताना मनी क्रिएशन का फॉर्मूला और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों अलग चीज़ें थी। मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर और आपका मनी क्रिएशन दोनों के ही फॉर्मूलाज आप लोगों को बताने हैं कमेंट सेक्शन में, जिसको भी याद है फटाफट से, ठीक है, फटाफट से जल्दी से कॉमेंट में लिख देना। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। देखो चैप्टर का नाम क्या है, बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझना है। अब बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, दो लोग आते हैं हमारे, एक तो हमारी कमर्शियल बैंक्स सारे जिनसे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, चेक कटवाते हैं, ये वो सब काम करते हैं। बाकी एक कौन सी बैंक है, हमारी सेंट्रल बैंक होती है हर कंट्री की, ठीक है, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है, यानी कि सारे बैंक्स की जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी ये समझ लो हेड है, उनका माई बाप है, ठीक है, कौन? सेंट्रल बैंक। तो आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे मनी क्रिएशन करती हैं, मतलब उनका बेसिकली फंक्शन क्या है। और मेन फंक्शन कमर्शियल बैंक्स का यही था कि वो मनी क्रिएशन करते हैं, फिर क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो वो फंक्शन हमने पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, मतलब आपके लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स और जो सेंट्रल बैंक होता है दोनों के बीच के डिफरेंसेस, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को सेंट्रल बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक होता क्या है? देखो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होती है किसी भी कंट्री की। सारी कंट्रीज़ में पहली बात तो सेंट्रल बैंक इंसिस्ट करती है, ठीक है, सारी कंट्रीज़ में सेंट्रल बैंक होती है। जैसे हर स्कूल में क्या हो, एक प्रिंसिपल होता है ना, अलग अलग उसके अंदर टीचर्स होते हैं, इसी तरह हर कंट्री में एक प्रिंसिपल होता है, मतलब एक सेंट्रल बैंक होती है, एपेक्स बैंक, जो भी क्या करती है, सबसे पहले तो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। जैसे प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, सीधा सा एग्जाम्पल लेके चलो, पूरा एक स्कूल कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल। इसी तरह ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है पूरे एंटायर मतलब बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये और क्या चीज़ कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा भी सप्लाई ना हो जाए मनी की, ज़्यादा पैसा आ गया हाथों में ये भी ना हो, या फिर पैसा कम रह जाए लोगों के हाथों में ये भी ना हो, उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। वो कैसे कैसे करती है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आज वाला जो टॉपिक है उसमें देखो आपको बहुत सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे। पहली चीज़ ये बता देती हूँ मैं, उन टर्म्स को डीप में समझने मत लग जाना, या फिर मुझसे भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं समझाऊँगी बहुत ज़्यादा डिटेल में। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स आप आगे पढ़ोगे तो अगर अभी पढ़ लोगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा, जो पढ़ रहे हो वो भी समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो जब टाइम आता है जिस चीज़ का वो तभी पढ़नी चाहिए ना, तो अभी के लिए उन टर्म्स को बस दिमाग में रख लेना कि अच्छा ऐसा भी होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे तब पढ़ाई देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या होता है कि एक एपेक्स बैंक पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और क्या कंट्रोल करती है ये? पहली बात तो ये फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप ऐसे समझ लो, जैसे हम क्या करते हैं हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री में कौन सी करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है, रुपी में होता है ना, और हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे US की डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और आप कह लो मतलब चाइना की अलग है, जापान की अलग है, सबकी अलग अलग होती है कि नहीं, यूरो पाउंड ऐसे करके। तो जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं, फिर कोई और बंदा हमारी कंट्री में आता है, तो क्या होता है वो अपनी करेंसी लेकर के आता है और हम अपनी करेंसी लेकर के जाते हैं, पर हम वहाँ चेंज कर लेते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है एक तो। और दूसरी चीज़ कि जब अलग अलग कंट्री की, दो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जब कोई ट्रांजेक्शन करती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हमारी कंट्री अगर कुछ खरीद रही है तो वो किसी एक करेंसी में पेमेंट करेगी, अपनी करेंसी में मतलब,
और दूसरी कंट्री अगर कुछ पेमेंट करे तो अपनी करेंसी में पेमेंट करेगी। तो ये जो एक्सचेंज करना होता है इसे हम रिजर्व कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कि हमारी गवर्नमेंट के पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज जो उसने जो बाकी उन्होंने पेमेंट किया है वहाँ से आया है उस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास भी हमारी मतलब करेंसी और बाकी कंट्रीज़ की करेंसी का रिजर्व होगा, उसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व को भी कंट्रोल करती है, मैनेज करके चलती है, ओके। और क्या करती है, ये सोनली रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, सोल एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग नोट्स। यानी कि इसके मोनोपोली है, मोनोपोली पता है ना, हमने पढ़ा है 11th में। मोनोपोली मतलब अगर मार्केट में किसी चीज़ के लिए एक ही दुकान है, अब पूरी कंट्री में नोट छापने के लिए एक ही तो इंसान या फिर एक ही तो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, वो है RBI। तो यानी कि इसकी मोनोपोली है नोट इशू करने में, ये सोली रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है फॉर इशूइंग नोट्स। और क्या चीज़ें आती हैं, इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से हम हमारे लिए बैंकर कौन है, देखो बैंकर कौन होता है, सबसे पहले तो जैसे मैं टीच कर रही हूँ, मैं टीचर हूँ, कोई गाना गा रहा है सिंग कर रहा है वो सिंगर है, कोई डांस कर रहा है तो डांसर है। इसी तरह जो बैंक का काम कर रहा है वो बैंकर है। यानी कि जो हमारे लिए बैंक होती है ना, SBI, PNB, अलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, ये हमारे लिए बैंकर्स हैं। पर वो गवर्नमेंट है उसके लिए कौन बैंकर होता है, उसके लिए बैंकर होती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को कुछ भी लोन चाहिए, पैसा जमा करना है, कुछ भी XYZ काम करना है, तो वो कौन किसके साथ करेगी ट्रांजैक्शन, सेंट्रल बैंक के साथ। वो छोटी मोटी बैंक्स के साथ डील नहीं करती है, छोटी मोटी बैंक्स छोटे मोटे लोगों के साथ डील करती है, जैसे हम लोगों के साथ। अब बड़े बड़े लोगों के साथ तो फोन डील करेगा भाई, बड़े बैंक्स डील करेंगे। अब बड़े बैंक में हमारा सिर्फ एक ही बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो होता है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से डील करती है, समझ आया। तो ये सारे पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले तो ये फिक्स बैंक है, ये मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, ये ऑन क्या कंट्रोल करती है, भाई एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करके चलती है, सोली रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है फॉर शोइंग नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन को मैनेज करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो कंट्री में सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तौर सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करती है, और वो ये सारे फंक्शंस करती है, मतलब ये सारे काम करती है, ओके। इसी तरह हर कंट्री की अलग अलग सेंट्रल बैंक होती है, हर कंट्री में अलग अलग नाम होता है। जैसे आई गेस अमेरिका में उसका नाम फेडरल बैंक है, सिर्फ फेडरल बैंक जितना मुझे याद है। तो आप ऐसा करना, ये आपका आज का टास्क है, कोई भी जो 5 कंट्रीज़ हैं मैं बताती हूँ, US, जर्मनी और आपका जापान, चाइना और एक और कौन से हो सकते हैं, सिंगापुर, ठीक है। US, जर्मनी, जापान, चाइना और आपका सिंगापुर, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी आपको सेंट्रल बैंक के नाम सर्च करने हैं, कमेंट में लिखना है, ओके। इससे आपको भी थोड़ी जनरल नॉलेज होगी, सिर्फ किताबी ज्ञान मत दिया करो, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखा करो, ओके। तो US का तो मैंने बता ही दिया था, उसके अलावा जो मैंने बताई है ये सारी आपको लिखनी है कॉमेंट में। तो ये हो गया कहानी सेंट्रल बैंक की, समझ आ गया। अब बात आती है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की, ये भी ऑलमोस्ट फंक्शंस ही थे कि भाई मनी सप्लाई कंट्रोल कर रही है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कर रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेज कर रही है, ये सारे भी ऑलमोस्ट फंक्शंस ही थे, ठीक है। पर कुछ मेन फंक्शंस हैं जो कि वो करती ही है और जो हम पढ़ते हैं यूजुअली, ठीक है। एक्चुअली हमको किताबी ज्ञान, भले कितना भी भाषण दे रहे हो, किताबी ज्ञान उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर मिलाकर के ये तो चीज़ें समझ आ गई, तो अब इसको मैं कर रही हूँ रब। इसको रब करने के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे मेन फंक्शंस पे, कि एक्चुअली क्या क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है, या फिर हमारी कंट्री है की जो सेंट्रल बैंक है यानी कि RBI, उसके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। RBI के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, जस्ट अभी मैंने बताया था कि सोल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग नोट्स। तो यानी कि क्या करती है, नोट्स इशू करती है, यानी कि इसकी मोनोपोली है, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। क्या क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं जो मैं बता रही हूँ हर पॉइंट के, देखो हर फंक्शन के मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, तो यानी कि एक तो इसकी मोनोपोली है, ठीक है, मोनोपोली है कि नहीं, केवल ये नोट छापेगी, इसके पास ही एक्सक्लूसिव राइट्स हैं टू इशू करेंसी, टू इशू नोट्स, ठीक है। करेंसी नहीं, एक्चुअली नोट्स, ठीक है। करेंसी में तो कॉइन्स भी आ गए, कॉइन्स नहीं, सिर्फ नोट्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया,
और क्या हो सकता है, ये जो फंक्शन है ना इसका, बैंक इशूइंग नोट्स, मतलब नोट इशू करने का जो फंक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या कहते हैं हम इसे, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, यानी कि करेंसी को छापने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, बैंक के पास, और ये उसका फंक्शन है, तो ये इसको हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं RBI का या फिर सेंट्रल बैंक का। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ये जो भी करेंसी छापती है, जो भी करेंसी छापती है या फिर नोट्स छापती है, एक्चुअली करेंसी ने ये जो भी नोट्स छापती है, जितने भी नोट्स छापती हैं हमारी सेंट्रल बैंक या किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर के होते हैं, उनका अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अब ये वर्ड ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आया होगा कि भाई अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, पर अगर किसी को कुछ थोड़ा याद हो, जब आपका 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब 1000 रुपये का नोट बैन हो गया था, तब आपने शायद ये वर्ड सुना हो कि ये जो 1000 रुपये का नोट है, इट इज़ नो मोर अ लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर वर्ड अगर किसी ने भी सुना हो कहीं, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा, पर नहीं कर पा रहे तो मैं समझा ही देती हूँ। देखो, लीगल टेंडर क्या होता है, सिंपली लीगल टेंडर जब हम बोलते हैं, लीगल टेंडर से मतलब होता है कि एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट जो कि कोई कंट्री लागू कर देती है अपनी मतलब इकोनॉमी में, कंट्री एक्चुअली जो किसी भी कंट्री में लागू होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री में लागू होता है ऐसा मोड ऑफ पेमेंट जो किसी भी कंट्री में लागू होता है, जिससे सारे ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, सारे पेमेंट्स किए जाएंगे, और वो हर लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा जो मोड ऑफ पेमेंट होता है वो होता है लीगल टेंडर। अब हमारे देश में जो नोट्स हैं 2000, अभी मान लो 2000 का भी है, अभी पेमेंट उससे हो रहा है, ऐसा नहीं आप कहीं जाओ तो कोई मना कर देगा, मना नहीं कर सकते, ठीक है, तो 2000 का चलो फिर भी हटा देते हैं, 500 का हो गया, 200 का हो गया, 100 रुपये का, 10 रुपये का नोट, इवन 5 रुपये का नोट, ये सब लीगल टेंडर्स हैं, यानी कि इन और या फिर जो भी सिक्के हैं, जो सब लीगल टेंडर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट किए जाएंगे हर पेमेंट में, हर ट्रांजेक्शन में, हर चीज़ में, पूरी कंट्री में एक्सेप्टेबल है, ऐसा मोड ऑफ पेमेंट है कि नहीं है, तो उसे हम कहते हैं लीगल टेंडर, राइट। या फिर जो चेक होते हैं वो भी लीगल टेंडर्स में आते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी तो भाई एक्सेप्टेबल हैं, उनसे भी तो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो भी तो मोड ऑफ पेमेंट है, हर कोई एक्सेप्ट करता है, तो वो भी लीगल टेंडर हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, नेट बैंकिंग के हम थ्रू करते हैं, नेफ्ट के थ्रू करते हैं, या फिर RTGS के थ्रू करते हैं, ये सब भी क्या है, कुल मिलाकर ये लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर समझ आ गया। अब लीगल टेंडर से आप समझ सकते हो, जैसे मैंने बताया अभी 1000 रुपये वाला नोट जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, ठीक है, तब सरकार ने बोला था, मोदी जी ने बोला था कि ये अब लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उस दिन मेरे को अभी भी याद है, 8 नवंबर, 8 नवंबर के बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया गया कहीं भी, राइट। पर अब ये जो 2000 वाले डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसमें ये काम नहीं हुआ है पहले जैसा। अगर आप लोगों को अभी तक ये कन्फ्यूजन था तो शायद क्लियर हो जाएगा। 2000 वाले नोट का सरकार ने ये नहीं बोला कि अब वो लीगल टेंडर नहीं है, ऐसा नहीं बोला, बस ये बोला है कि अब ये आने वाले टाइम में बैन हो जाएगा, मतलब बैन हो गया है, ये नहीं बोला कि लीगल टेंडर नहीं है, ये बोला है कि बैन हो गया है, कि जितने भी लोगों के पास हैं 2000 रुपये वो जा कर के एक्सचेंज कर लें। लोग अभी भी आज भी दुकानों पे ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब जिससे कि वो एक्सचेंज कर सके, उनके पास अगर 2000 का नोट है भाई, वो मतलब 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो 2000 रुपये का नोट दे रहे हैं, आजकल ऐसी भी न्यूज़ आती थी अभी बीच में, ठीक है। तो मतलब सारे बैंक्स को RBI ने निर्देश दे दिए हैं, सेंट्रल बैंक ने, कि 30 सितंबर तक आपको सारे जितने भी पूरी कंट्री में 2000 के नोट हैं वो एक्सेप्ट करने हैं, लोगों के हाथ से लेने हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जमा करते जा रहे हैं, इतना एक टाइम लिमिट दे दिया। पर ऐसा नहीं है कि वो भी लीगल टेंडर नहीं है, वो लीगल टेंडर है। तो आपको आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। जब सारे नोट्स ख़त्म हो जाएंगे तब जाके सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट करेगी कि वो लीगल टेंडर नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। लीगल टेंडर समझ आ गया। अब लीगल टेंडर में भी दो पॉइंट्स होते हैं, एक आपका होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक आपका होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब, देखो लीगल टेंडर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मोड ऑफ पेमेंट है, राइट। यानी कि लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो हम उस मोड ऑफ पेमेंट से एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पेमेंट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं। तो कुछ सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो हम 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो। अब आप 10 लाख रुपए भले ही ऑनलाइन पेमेंट करो, ईएमआई के फॉर्म में दो, चेक दो, उसको कैश दे दो, कैश मीन्स उसको नोट दे दो, 2-2 हज़ार की घंटिया, 500-500 की घंटिया, तो वो ऑब्वियसली ले लेगा। पर अगर आप उसको 2-2 रुपये के सिक्के दो 10 लाख रुपये में, यानी कि 5 लाख सिक्के हो गए कि नहीं, ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि वो क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि ऐसी मोड ऑफ पेमेंट जिससे हम एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पेमेंट कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। एक लिमिट होती है, राइट? यानी अनलिमिटेड में क्या आ जाएगा, आपके ऐसी चीज़ें जिससे हम अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे चेक हो गया, बड़े बड़े जो डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं, जैसे 1,000, 500, 2,000 अगर है तो उनसे हम बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो वो अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन उससे कर सकते हैं। अनलिमिटेड में जैसे क्या आ जाता है, हमारे यूजुअली कॉइन्स आते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये के नोट्स, 10 रुपये के भी नोट्स इवन ये मान लो, ठीक है, बस जो छोटे छोटे डिनोमिनेशन के हैं। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब पॉइंट मुझे क्या समझाना था सिर्फ ये कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर के जो नोट्स होते हैं ना, वो छापती है हमारी सेंट्रल बैंक। यानी कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिक्के जो होते हैं, सिक्के कौन बनाता है, सिक्के हमारी सरकार बनाती है, और नोट्स कौन बनाती है, RBI या फिर सेंट्रल बैंक बनाती है। तो सेंट्रल बैंक जो भी नोट्स करेंसी छापती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर की होती है, उससे अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे ही पॉइंट्स किसके हैं, इस वाले फंक्शन के हैं कि इशू करती है वो नोट्स, इसीलिए उसके मोनोपोली है, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। इस फंक्शन को करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं उसका, और साथ ही साथ वो जो भी नोट्स इशू करती है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर के होते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए और ये हो भी गया होगा आई होप, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन समझ आ गया। इसे थोड़ा हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इनफैक्ट, ठीक है। दूसरा होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, बैंकर है। बैंकर होने के साथ साथ ये और भी दो चीज़ों का काम करती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ों का काम करती है, एक तो ये बैंकर तो है ही, ये दूसरी बात क्या है, एजेंट भी है और ये एडवाइज़र भी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर एडवाइज़र लिख लो। ये तीनों का रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है, एजेंट भी है, एडवाइज़र भी है। बैंकर कैसे है, बैंकर ऐसे है कि ये क्या करती है, गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट करती है और मतलब उसके जो लोन्स हैं उसको गवर्नमेंट को देती है। जैसे हम कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं सादा कमर्शियल बैंक से, ठीक है, जो हमारी कमर्शियल बैंक है SBI PNB जिसे बताया मैंने, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें अपना डिपॉजिट मतलब करते हैं और अपना लोन ले लेते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट किससे डील करती है, मैंने बताया सेंट्रल बैंक से। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उस जो है उसको अपने डिपॉजिट्स भी उसके पास रखती है और अपना लोन भी दे देती है। ऐसे तो वो बैंकर का रोल प्ले करती है जो सेंट्रल बैंक है। एजेंट का रोल कैसे प्ले करती है, एजेंट का रोल वो ऐसे प्ले करती है कि एजेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बिचौलिया। जैसे हमको कोई, मेरे को कोई लैंड खरीदनी है, तो मैं एक जो होता है ना प्रॉपर्टी डीलर्स एजेंट्स, उनसे कॉन्टैक्ट करूँगी, राइट? तो वो क्या करेगा, एक ऐसी पार्टी लेकर के आएगा जिसको कोई लैंड बेचनी होगी, तो बीच में एजेंट की तरह काम करेगा, उनसे लैंड बिकवा देगा, मेरे को खरीदवा देगा, तो ऐसे ऐसे काम करेगा। इसी तरह गवर्नमेंट के लिए वो क्या करती है, गवर्नमेंट के पास ना कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं। अगेन मैं बोलूँगी इन टर्म्स को ज़्यादा डिटेल में, गूगल करने मत बैठ जाना, ठीक है, कहीं भी और सर्च करने मत बैठ जाना, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये याद रखो, उसके पास कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सिक्योरिटीज़ को बेचना भी होता है या फिर नई सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती हैं। सिक्योरिटीज मतलब सामान है तरह से गवर्नमेंट का, तो उसको कुछ सामान अपना बेचना है, कुछ खरीदना है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करती है, इनकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज़ बेचेगी भी और ख़रीदेगी भी। जैसे एजेंट है वो उस पार्टी के बिहाफ पे बेच रहा है और मेरी पार्टी के बिहाफ पे वो ख़रीद रहा है लैंड, है ना। इसी तरह जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल करती है सिक्योरिटीज़ और बाय करती है सिक्योरिटीज़। ऐसे तो वो एजेंट का काम करती है। अब एडवाइज़र का रोल वो कैसे प्ले करती है, एडवाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब कुल मिलाकर के ऐसे टूल्स यूज़ करती है सेंट्रल बैंक जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई स्टेबल रहे। क्या स्टेबल रहे, मनी सप्लाई, यानी कि लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा भी ना आ जाए, बहुत कम पैसा भी ना रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे।
मनी क्रिएशन जो होता है वो भी ठीक ठाक रहे, फुल मिला के हमारी इकोनॉमी एकदम स्मूथली ट्रैक पर चलती रहे, ऐसे ऐसे काम करती है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, फिर ये गवर्नमेंट को सुपरवाइज करती है, सुपरवाइज तो नहीं एक्चुअली एडवाइस देती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके लिए। तो ये तीनों पॉइंट समझ आता है, ये हो गया हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट, राइट। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सबसे पहले जब बात आती है बैंकर्स बैंक की, ठीक है, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक में सिंपली क्या आ जाता है, बैंकर्स बैंक देखो यही जो चीज़ अभी मैंने बताई कि ये क्या करती हैं, मतलब आप कह सकते हो, हाँ ओके, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक मतलब सिंपली ये क्या करती है कि जो बैंकर्स बैंक क्या होता है, देख हमारे लिए कौन बैंकर है, जो सादा बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट के लिए कौन बैंकर है, मतलब जो बैंक्स हैं बाकी उनके लिए कौन बैंकर है, आरबीआई, ये तो हम लोग हैं, ठीक है, हमारे ऊपर ये बैंक है और इस बैंक के ऊपर भी ये आरबीआई है, तो हमारे लिए तो ये बैंकर है और इन बैंक्स के लिए ये आरबीआई बैंकर है। तो एक तो ये जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स के लिए तो बैंक है ही, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है, दोनों के लिए बैंक काम करती है, दोनों का जो ट्रांजेक्शन होता है या फिर जो डीलिंग्स होती है वो सेंट्रल बैंक से होती हैं, हमारी नॉर्मल बैंक से होती हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए कैसे बैंक की तरह, बैंकर की तरह काम करती है, ये हमने समझ लिया। अब ये जो सादा बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए कैसे बैंकर की तरह काम करती है, देखो जैसे गवर्नमेंट क्या करती है अपने डिपॉजिट्स और लोन्स ये सब सेंट्रल बैंक से करते हैं, इसी तरह जो ये नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, ये नॉर्मल बैंक्स भी क्या करते हैं, इनके भी डिपॉजिट्स होते हैं और इनके भी लोन्स होते हैं, ये भी कुछ डिपॉजिट करती हैं और ये भी कहीं से लोन लेती हैं। अभी कहाँ डिपॉजिट करती हैं, कहाँ से लोन लेती हैं, वो होता है सेंट्रल बैंक, समझ आया। तो बैंकर्स बैंक में एक तो आपका पहला पॉइंट तो ये आ गया कि डिपॉजिट्स और जो लोन्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, वो किसके साथ होते हैं, सेंट्रल बैंक्स के साथ, वो सेंट्रल बैंक के साथ मतलब सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेगी अपना पैसा और साथ ही साथ उससे लोन भी लेगी अगर ज़रूरत है तो। दूसरा पॉइंट बैंकर्स बैंक में क्या आ जाता है कि आपका जो अगर कुछ मतलब इशूज़ होते हैं, दो चार बैंक्स हैं उनमें कुछ इशूज़ हैं या फिर उनके ट्रांजेक्शन में कुछ इशूज़ हैं, क्योंकि क्या होता है आपस में दो तीन बैंक भी ना ट्रांजेक्शन करती हैं, ठीक है, अगर किसी के पास पैसे कम पड़ गए, क्योंकि वो बैंक क्या है, एक ग्रुप है, बहुत सारे बैंक्स हैं, अब वो क्या है ये समझ लो दोस्तों की तरह रहती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, दोस्तों की तरह रहती हैं, किसी को पैसों की कमी पड़ी, किसी के पास ज़्यादा है तो एक दूसरे को दे दिया, तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं उनको रिजॉल्व करती है, ठीक है, उनको रिजॉल्व करती है और इस फंक्शन को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, यानी कि ये क्या करती है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक्स को, कौन, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक अपनी जो नीचे छोटी छोटी बैंक्स हैं उनको क्या करती है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ये वाला जो फंक्शन है इसे हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा संभल रखो, ये हो गया बैंकर्स बैंक समझ आ गया कैसे कैसे है, डिपॉजिट और लोन्स वगैरह और साथ ही साथ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी बैंक्स को। अब सुपरवाइजरी रोल क्या होता है, इसका एक सुपरवाइजरी रोल भी है, सुपरवाइज करना मतलब क्या होता है, देख रेख करना, राइट, देख रेख करना, समझाना, उनको एडवाइस देना, तो एक तो ये काम करती ही है, वो बैंक्स को समझा के रखते हैं कि आप ना थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखो, साथ ही साथ वो और भी चीज़ें ऐसी यूज़ करती है और ऐसे टूल्स यूज़ करती है जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे, मनी जो मार्केट है आपका जो या फिर आपका जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई स्टेबल रहे, और साथ ही साथ वो इंश्योर करती है कि ये जो बैंक्स हैं ना, ये जो छोटे छोटे बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक के अंडर, वो क्या करें, वो उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस, सारे डायरेक्टिव्स वो फुलफिल करें, सारी चीज़ें माने, जो भी अगर जैसे आरबीआई ने तय किया कि ये चीज़ होगी तो सारी बैंक्स माने, तो यानी कि सुपरवाइज करना, उनको लीड करना, ठीक है, उनको गाइड करना, ये सारे काम भी करती है उन सारी बैंक्स के लिए। मैं ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, तीन पॉइंट्स आई होप क्लियर हैं, ठीक है, ये तीन हमारे समझ आ गए। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट मतलब जैसे मान लो आपके आपको ना अर्जेंट नीड है पैसे की, ठीक है, आपको अपने गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जाना है, आपके पास पैसे ही नहीं है, प्यार खर्चा हो जाता है, कोचिंग वोचिंग में उड़ा देते हैं, खाने पीने में ऐसी, ठीक है, पेट्रोल मेट्रोल डलवाने में गाड़ी में उड़ जाता है,
अब आपको पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। अब आपके पास क्या है, आपके सारे फ्रेंड्स आपने पैसा मांग लिया, आपका हिस्से पर कोई जुगाड़ ही नहीं हो रहा, एक भी रुपए का जुगाड़ नहीं हो रहा। अब आपको लास्ट में यहाँ खाता है कि मेरा इकलौती आस लास्ट होप जो बची है वो है मेरी मम्मी, मम्मी को फटाओ, तुम भी पैसे दे देंगे कैसे ना कैसे करके, भले पापा की जेब से चुरा के दें या फिर अपनी सेविंग्स में से दें, वो कैसे भी करके मेरा जुगाड़ करवा देंगे। ऐसा होता है ना, मतलब लास्ट होप, इसी तरह लास्ट होप जो होती है ना उसे हम कहते हैं लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। सिमिलरली जो बैंक्स होते हैं ना, अब बैंक्स को क्या होता है, हमको लोन देना होता है, ठीक है, हमको लोन कहाँ से देती हैं, उनके पास जो डिपॉजिट्स होते हैं हमारे, वहीं से लोगों को लोन देते हैं। अब मान लो लोग उधार लेने आ गए या अपना पैसा निकालने आ गए या कुछ भी करने आ गए और बैंक के पास थोड़ा पैसा कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसने बाकी सारी बैंक से डिस्कस किया, पूछा, तो बाकी सारी बैंक ने भी मना कर दिया, भाई हमको भी करना है ये करना है, हमारे पास इतना कैश नहीं है, हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है, उन्होंने भी मना कर दी। अब उसकी जो लास्ट होप है वो फोन है, उसकी लास्ट होप है हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि उसकी मम्मी। तो इसी तरह ये जो लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट है, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि अगर बैंक के पास फंड्स कम है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो उसको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है बैंक को, तो बैंक जाके सेंट्रल बैंक को कॉन्टैक्ट करे, वो उसको फंड्स प्रोवाइड करती है, उसको लोन देती है, ठीक है, वो इसीलिए एक्ट करती है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। समझ आ गया? और ये सब क्यों करती है, जिससे कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसमें कोई लैग ना रहे, बैंकिंग सिस्टम गिर ना जाए, फेल ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमें कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है, उनको फंड्स टाइमली प्रोवाइड करने हैं, उनके पैसे उनको देने हैं जो हमारे पास उन्होंने डिपॉजिट कर रखे हैं। जैसे मान लो कोई बैंक का दिवालिया निकल गया, बैंक में चोरी हो गई, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्वियसली मतलब सेंट्रल बैंक ये सारी चीज़ें काम करती है, ठीक है, और साथ ही साथ वो यही इंश्योर करती है कि मनी सप्लाई भी मेंटेन रहे, अगर मनी सप्लाई थोड़ी कम है तो वो फंड्स ज़्यादा दे देगी, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो ले लेगी, तो ये सारे कामों के थ्रू कुल मिलाकर के वो एक्ट करती है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की तरह। ये वाला पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। अब कुल मिलाकर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि उसकी फॉरेन एक्सचेंज की जो कस्टडी है वो किसके पास होती है, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, सेंट्रल बैंक के पास, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास उसकी कस्टडी होती है, तो वो ये सब चीज़ें मैनेज करके समझती है। साथ ही साथ वो एक आप कह लो टूल यूज़ करती है, कौन सा टूल यूज़ करती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, वो एक टूल यूज़ करती है मैनेज्ड फ्लोटिंग, मतलब ये जो भी एक्सचेंज रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट का ये जो सिस्टम है ना पूरी सारी कंट्रीज़ का ये जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है ये स्टेबल रहे, एक्सचेंज रेट रिजर्व्स हमारे, एक्सचेंज रेट ज़्यादा ना हो कम ना हो, जैसे हर कंट्री का एक अलग कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट होता है, जैसे $1 में कितने रुपए होते हैं फटाफट से देख करके बताओ, आई गेस 80 अराउंड होंगे कुछ, ठीक है, और अगर हम यूएई करेंसी देखें दिरहम, ठीक है, दिरहम में कितने रुपये होते हैं, एक रुपये में कितने आप कह लो पाउंड्स होते हैं, यूरो, वन यूरो इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपी, तो ये क्या है एक्सचेंज रेट्स है। अब एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होते हैं तो उससे हर कंट्री की करेंसी पे फ़र्क पड़ता है, तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसको मैनेज करने के लिए वो ये टूल यूज़ करती है मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो मैनेज्ड वे में फ्लोट हो, मैनेज्ड वे में चले, मैनेज्ड वे में रहे, तो ये टूल यूज़ करती है, इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब इस वाले में बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में, बैंकर्स बैंक मैंने आपको बताया था कि एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है बाकी सारी बैंक से और एक लोन भी देती है उनको, दूसरा उनकी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करती है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होती है, देखो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या है, ये है हमारा सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं आरबीआई, ये है हमारे पास एक दूसरा बैंक क्यों बना दिया मैंने ऐसा, ये है हमारे पास एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा, और ये है हमारे पास लेट अस सपोज कैनरा बैंक। अब क्या है एसबीआई को क्या करना है, कैनरा बैंक को पैसे लौटाने हैं इसके कुछ, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपये, ठीक है, फिर 1.5 लाख रुपीज़, और ये जो कैनरा बैंक है इसको भी एसबीआई के कुछ पैसे लौटाने हैं, इसको लौटाने हैं मान लो आप 1 लाख रुपये, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसने क्या किया, एसबीआई ने चेक काट के दे दिया कैनरा को, ये 1.5 लाख रुपये का चेक,
इसने क्या किया, इसको 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, ये तू ले ले 1 लाख रुपए का चेक। अब ये जो चेक है, ये चेक ये दोनों क्या करेंगे, आरबीआई को जाके दे देंगे, आरबीआई को जा करके दे देंगे। आरबीआई क्या करेंगे, आरबीआई के पास ना इन दोनों के अकाउंट्स हैं, मैंने बोला ना हमारे अकाउंट्स इन बैंक्स में हैं, इनके अकाउंट्स इस बैंक में हैं, इनके सारे बैंक्स के अकाउंट इस बैंक में होते, तभी तो ये बैंकर्स बैंक है। तो इनके अकाउंट क्या है, इस बैंक के पास हैं, तो ये अपने आप ही ट्रांजेक्शन कर देंगी। इसे क्या करना था कि यहाँ इसके अकाउंट से पैसे निकाल करके 1.5 लाख इसके में डालने थे, इसके अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल करके इसके में डालना था, तो ये अपने आप वहीं कर देगी। यानी कि इनका जो रिजॉल्व मतलब आप कह लो प्रॉब्लम था, जो भी इशू था, उसको रिजॉल्व कर देगी, क्लियर कर देगी। और इसी फैसिलिटी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी या फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये इस तरीके से क्लियरिंग हाउस फंक्शन या फिर क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इन बैंक्स को, समझ आ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो कैश होता है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। अब ऐसा तो नहीं 1.5 लाख रुपये कैश दे, 1.5 लाख रुपये कैश दे, इन्होंने तो सिर्फ चेक काट के दे दिया। इसे चेक क्लियरिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, चेक काट करके दे दिया और इनके पास इसका अकाउंट है ही आरबीआई के पास, दोनों का, तो ये अपने आप तामझाम कर देगी। जैसे यूजुअली हम लोग भी करते हैं, अगर मेरे को मतलब आप कह लो कि 2 लाख रुपये देना है, मैंने उसको चेक दे दिया, वो अपने बैंक में जाएगा और मेरे अकाउंट से पैसे निकल के 2 लाख रुपये उसके में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं 2 लाख रुपये टीची में भर करके ले करके जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे, ऐसा तो नहीं किया ना मैंने। तो इससे क्या हुआ, कैश की जो नीड होती है वो कम होती है। ओके, तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि प्रोवाइड करती है आपका आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू इट्स बैंक्स, ठीक है, ऑल द बैंक्स। लास्ट आपका टॉपिक या फिर लास्ट फंक्शन बचता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट सिंपली मतलब होता है कंट्रोल क्रेडिट, मतलब मैंने क्या बताया था, क्रेडिट क्रिएशन इज मनी क्रिएशन, राइट। यानी कि ये क्रेडिट कंट्रोल करती है, का मतलब होता है मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसे क्रिएट कर उसे कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई भी ना हो और कम भी ना हो। अब ये कैसे कंट्रोल करती है, ये कुछ टूल्स यूज़ करती है जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये जो भी मैंने फंक्शंस बताए ना, ऐसे 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 करती है, कैसे करती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी कहीं ज़्यादा माथापच्ची मत करना, फिर से बोल रही हूँ। तो ये क्या करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, क्यों कंट्रोल करती है, सिंपली अगर इकोनॉमी में देखो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर इकोनॉमी में हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ना बहुत ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगी, मनी सप्लाई को कम कर देगी, और उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ करती है, अगेन मैं बता रही हूँ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह अगर मनी सॉरी हमारी इकोनॉमी में क्या है, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब होता है पैसे की कमी, यानी कि मनी सप्लाई की कमी, तो ये क्या करेगी, कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करके मनी की सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देगी। तो ये जो काम करती है ना मनी सप्लाई कम करने का, मनी सप्लाई बढ़ाने का, ये क्यों करती है, जैसे इकोनॉमी स्टेबल रहे, जो हमारे मतलब लोग हैं, जनता है, उनको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े सिंपली, और बैंक्स का वो सिस्टम अच्छे से चलता रहे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारे फंक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये जो फंक्शंस हैं इन्हीं को परफॉर्म करके जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, मेंटेन करती है कि मतलब आप कह लो स्टेबिलिटी मेंटेन रहे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, साथ ही साथ जीडीपी हमारी बढ़ती रहे, जीडीपी मतलब हमारी जो इनकम है वो बढ़ती रहे, ग्रोथ होती रहे, और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, यानी कि मनी सप्लाई स्टेबल रहे। ये सारे पॉइंट्स हैं और ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं। फंक्शंस को याद रखने के लिए देखो ट्रिक भी बता देती हूँ, एक जस्ट अभी मेरे दिमाग में आई, एक्चुअली 3B, 3C और L, 3B हैं, 3C हैं और 1L है। 3B से मतलब क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। 3C का मतलब है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, और L मीन्स लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट। तो अब अगर आप दो बार भी इनको ऐसे बोलोगे ना क्लाइंट से 3B, 3C और L, तो याद रहेगा, एक बार और याद करो दोबारा से समझ आ जाएगा आई होप। 3B का मतलब क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट इशू करता है, बैंकर टू द बैंक और बैंकर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल और बैंकर टू द गवर्नमेंट। 3C का मतलब क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी और आफ्टर कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। L स्टैंड्स फॉर लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट।
आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, राइट? काफ़ी ज़्यादा, तो हाँ मतलब क्योंकि डिटेल में पढ़ना था चीज़ें, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।